जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम सीखेंगे LCM। इसके लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर भी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। LCM सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे दो से, ठीक है। तो दो से हम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 0, 2, 4, 6, 8 जिसके एकम पर है, ठीक है। एकम मतलब यूनिट प्लेस पर है, वो सभी नंबर हमारे दो से भाग हो सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट, जिसकी मदद से हम LCM करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लेती हूँ 14, ठीक है। अब 14 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, यदि एकम पर क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 वो सभी नंबर दो से भाग हो सकते हैं। तो 14 जो है हमारा वो दो से भाग होगा। 2 7 14, 7 1 7, ये हो गया हमारा LCM, ठीक है। कैसे हुआ देखो, सबसे पहले 14 को हमने देखा एकम के स्थान पे 4 है, ठीक है। तो ये दो से भाग हो सकता है, तो दो से हुआ 2 7, ओके। 2 की टेबल में 7 पर 14 आता है, इसका मतलब ये है। फिर किया हमने 7 से, क्योंकि 7 7 की ही टेबल में आता है, इसलिए 7 1 7, ओके। अगला कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नंबर लेती हूँ 26, ओके। अब 26 में एकम के स्थान पे क्या है, 6, इसलिए ये 2 से भाग होगा। तो हम कर लेते हैं, ठीक है। 2 से जब हम 26 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, कितना आएगा 13, और फिर 13 एकम 13, क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये 26 जो है 2 से भाग हो सकता है। 0, 2, 4, 6, 8 में से एकम पर कुछ भी होगा तो नंबर हमारा 2 से भाग होगा। हम जब 2 से भाग करेंगे 26 को तो हमें मिलेगा 13। अब 13 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 13 एकम 13, LCM फिनिश, ओके। अगला नंबर हम कोई लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 38, ओके। तो आपको क्या देखना है, देखो एकम के स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 8। रूल पे जाते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 8 यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब ये नंबर 38 दो से भाग हो सकता है। तो हम कर लेते हैं, ओके। 2 से 38 को भाग करेंगे आप, तो 2 एकम 2 और 2 निम 18, और यहाँ पे हो जाएगा 19 एकम 19, ओके। अगला नंबर हम लेते हैं जैसे 50। 50 में हमें एकम के स्थान पे देखना है क्या है, 0। तो हम रूल पे जाते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो नंबर हमारा 2 से भाग होगा। तो 2 से किया तो कितना आएगा यहाँ पर, 25, ठीक है। अब ये होगा 5 से, 5 पंजे 25, और अब ये होगा 5 से, 5 एकम 5, LCM हो गया। देखो 50 था, एकम के स्थान पे 0 है, तो रूल में बोला है कि 0 होगा तो 2 से भाग होगा। 2 से हमने 50 को भाग किया तो मिला 25। अब 25 5 की टेबल में आता है, 5 पंजे 25, और 5 5 की ही टेबल में आता है, 5 एकम 5, LCM फिनिश, ओके। अगला कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पर 62, ओके। अब 62 का हमें LCM लेना है, तो LCM कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले एकम के स्थान पे देखना है, एकम के स्थान पे क्या है, 2। तो 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 62 जो है वो 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग करने पे हमें मिलेगा 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है, और 31 एकम 31, सम फिनिश। ये बात हुई 2 की। अब हम चलते हैं 3 पर, ठीक है। 3 से क्या होता है नियम, देखो 3 से नियम होता है, यदि नंबर जोड़ने पर 3 का गुणज आए
तो संख्या तीन से भाग होगी। ओके, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर 111, तो मैंने क्या बताया है आपको, यदि नंबर जोड़ने पर तीन का गुणज आए। अब गुणज का मतलब है तीन की टेबल में आने वाला नंबर। ओके, तो संख्या तीन से भाग होगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 111, हम इसको जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हम तीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ, तीन। तो क्या तीन, जो तीन है तीन की टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 × 3, ठीक है। अगर इनको जोड़ने पर कितना मिला, तीन, और तीन तीन की टेबल में आता है, यानी कि वो तीन का गुणज है, इसलिए 111 तीन से भाग होगा। यानी कि 111 का एलसीएम हम तीन से शुरू कर सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले पहचानना पड़ता है, अब हम तीन से भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे आया 1 × 3 = 21, 21 में से 21 गया 0। ओके, हो गया भाग। भाग होने का मतलब है कि यहाँ शेष नहीं बचना चाहिए। ओके, अब हम इसको एलसीएम की फॉर्म में करते हैं। देखो, ऐसे 111 को हमने 3 से किया, 3 से करने पर क्या मिला, 37, और अब 37 × 37। ओके, बिकॉज 37 किसी और के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम नंबर लेंगे यहाँ पर 4, 2, 3, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले नंबर को जोड़ो, 4 + 2 + 3, ठीक है। तो 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, तो यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो 9 है क्या वो 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। कैसे, 3 × 9, कैसे आता है, 3 × 9, इसका मतलब 423 तीन से भाग हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 423 को हम तीन से भाग करेंगे। देखो, ऐसे 423 को हम तीन से भाग कर रहे हैं, ठीक है। 3 × 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 2, 3 × 4 = 12, ठीक है। 12 में से 12 गया 0, लेकिन अभी हमारा ये वाला 3 बाकी है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और अब आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। 3 में से 3 गया तो 0। देखो, हमारी भागियाँ कंप्लीट हो गई और यहाँ पर शेष भी नहीं बचा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 से 423 पूरा भाग हो गया, ठीक है। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। कैसे लेंगे एलसीएम, 423 तीन से करेंगे, आएगा 141, ठीक है। अब आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं कि 141 जिससे भाग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या 141 दो से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एकम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है। हम पिछला रूल एक बार देख लेते हैं, ये देखो क्या था यहाँ पर रूल, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इनमें से 141 में कुछ भी नहीं है। ओके, अब बारी आती है 3 की, तो 3 से कैसे करते हैं, दिए हुए नंबर को जोड़ने पर, देखो 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, तो क्या 6 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, इसलिए 141 3 से भाग होगा। तो कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कर देती हूँ, 141, 3 × 12, 4 में से 2 गया 2, उतारा 1, 3 × 7 = 21, ओके। देखो, शेष नहीं बचा, पूरा भाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 47, 47 × 47, ये बात हो गई आपकी 3 की। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ।
अगला जो इम्पोर्टेंट नंबर होता है वो होता है पाँच, ठीक है। अब पाँच की पहचान क्या है? देखो पाँच की पहचान होती है एकम के स्थान, सॉरी, पर जीरो या पाँच हो तो संख्या पाँच से भाग होगी। ओके, जैसे पचास, फोर्टी फाइव, सिक्सटी फाइव, एक सौ पाँच, एक सौ पैंतीस, सो ऑन, संख्याएं आती जाएंगी। देखो पाँच के लिए क्या पहचान है? यदि एकम के स्थान पर जीरो या पाँच हो तो संख्या पाँच से भाग होगी। ओके, लाइक पचास एकम पे क्या है? ज़ीरो। एकम पे पाँच, एकम पे पाँच, एकम पे पाँच, एकम पे पाँच। जैसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, सत्तर, एक सौ बीस, एकम पे क्या दे रहा है हमारे पास? ज़ीरो, ज़ीरो या पाँच। यदि एकम के स्थान पर ज़ीरो या पाँच होगा तो कोई भी नंबर पाँच से भाग होगा। अब हम एलसीएम के थ्रू इसका आंसर एक बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं नंबर लेती हूँ यहाँ पर एक सौ पैंतीस, ओके। अब 135 का हमें निकालना है एलसीएम। अब हम हमेशा स्टार्टिंग करेंगे दो से, किससे करेंगे? दो से। तो एक बारी हम दो के रूल को पढ़ लेते हैं फिर से। दो का रूल क्या है हमारा? देखो दो का रूल है एकम के स्थान पर ज़ीरो, दो, चार, छः, आठ, ठीक है। तो मैंने नंबर क्या लिया है अभी? 135। अब इसमें एकम के स्थान पर ज़ीरो, दो, चार, छः, आठ में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 135 दो से भाग नहीं होगा। उसके बाद हमने जो सीखा वो सीखा तीन का, तो तीन वाले रूल पे चलते हैं। तीन का रूल क्या कहता है? यदि नंबर जोड़ने पर, सॉरी, नंबर जोड़ने पर तीन का गुणज आए तो संख्या तीन से भाग होगी। अब हमारे पास नंबर क्या है? 135, ठीक है। तो 135 को हम जोड़ते हैं। देखो वन प्लस थ्री प्लस फाइव, ओके। कैसे जोड़ेंगे? एक और तीन चार, चार और पाँच, कितना आया? नौ, ओके। तो नौ जो है वो तीन की टेबल में आता है, ठीक है। नौ तीन की टेबल में आता है, इसलिए 135 तीन से भाग होगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं भाग। देखो ऐसे करेंगे 135, तीन चौक बारह, तीन में से दो गया एक, उतारा पाँच, ठीक है। तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह में से पंद्रह गया ज़ीरो, यहाँ पर हमारा शेष नहीं बचा, इसका मतलब तीन से 135 भाग हमारा हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम में, तीन, आंसर कितना आया? 45, ओके। अब 45 किससे होगा? स्टार्टिंग करनी है दो से, किससे करनी है? दो से। तो दो का हमारा रूल क्या है? देखो ये रहा जीरो, दो, चार, छः, आठ, एकम पर होना चाहिए, एकम पर देखो क्या है? पाँच, तो इनमें से तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स दो से तो ये नहीं होगा। उसके बाद टर्न आती है तीन की, तो तीन का रूल क्या है हमारा? रूल पे चलते हैं। रूल क्या है? ये रहा तीन से जांच के लिए, यदि नंबर जोड़ने पर तीन का गुणज आए तो संख्या तीन से भाग होगी, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमारा नंबर क्या है? 45, 45 को जोड़ो, 4 प्लस 5 कितना हुआ? 9, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9, क्या आ रहा है? 9, तो क्या 9 तीन की टेबल में आता है? हाँ आता है, इसलिए 45 तीन से भाग होगा। तो करो तीन से भाग 45 को तीन से, ओके। तीन एकम तीन, चार में से तीन गया एक, उतारा पाँच, तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह में से पंद्रह गया ज़ीरो, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा तीन और यहाँ पे आएगा पंद्रह। अगेन, अब पंद्रह किसकी टेबल में आता है? हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो तीन पंजे, तीन पंजे। अब पाँच किसी की टेबल में नहीं आता है, इसलिए पाँच एकम पाँच, तो ये हो गया हमारा 135 का एलसीएम। अभी हम एक और सम देखते हैं यहाँ पर। देखो जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पर एक नंबर
इस पे जगह है ना, यहाँ कर लेते हैं। देखो जैसे मैं नंबर लेती हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये, इसको मैं ठीक कर देती हूँ 185। ओके अब स्टार्टिंग करनी है दो से, ठीक है। तो दो का रूल क्या है, रूल पर चलते हैं। यदि एकम पर क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो एकम पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है एकम पर 5, तो ये नंबर दो से तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं तीन की, पहले चलते हैं रूल पर। तीन से करने के लिए रूल क्या है, यदि नंबर जोड़ने पर तीन का गुणज आए तो संख्या तीन से भाग होगी। नंबर को जोड़ना है, क्या करना है, तो जोड़ते हैं। देखो 1+8+5, ओके कितना आएगा, देखो 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हुआ हमारा, 14, ठीक है। सही कर रही हूँ ना, देखो 8 और 1 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो क्या 14 है जो हमारा, क्या वो तीन की टेबल में आता है, नहीं आता, इसलिए 185 तीन से भाग नहीं होगा। अब बारी आती है पाँच की, तो पाँच का रूल हमारे सामने है। एकम के स्थान पर यदि 0 और 5 हो तो संख्या 5 से भाग होगी। तो यहाँ पर देखो एकम पे क्या है हमारा, 5, ओके। तो एकम पर 5 है, इसका मतलब देखो दो से भी नहीं हुआ, तीन से भी नहीं हुआ, और लेकिन एकम पर 5 है, तो ये अब 5 से हो सकता है। तो हम इसको यहाँ 5 से भाग करते हैं, 1, 8, 5, ओके। 5 दिया 15, 8 में से 5 गया 3, उतारा 5, 5 7 35, ओके 35 में से 35 गया तो 0, तो हमारा आंसर आया 5 और यहाँ पर 37, और ये हो गया आपका 37 एकम 37, सम फिनिश, ओके। अभी एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे मैं नंबर लेती हूँ, यहाँ पर लाइन डाल देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिया यहाँ पर 220, हमेशा स्टार्टिंग करनी है दो से। तो दो से करने के लिए क्या होता है, रूल पे चलते हैं। रूल है हमारा दो से, एकम पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो नंबर दो से भाग हो सकता है। तो हमारा नंबर देखो यहाँ पे एकम पे क्या दे रहा है, 0, इसका मतलब ये दो से भाग होगा। तो दो से भाग करो, 220 को दो से, 2 एकम 2 उतारा 2, 2 एकम 2 उतारा 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। दो से भाग किया कितना आया, 110, तो यहाँ लिख दो, दो से किया तो 110, ठीक है। अब अगेन स्टार्टिंग हमेशा करनी है दो से, तो दो के लिए हमारा रूल, रूल पे चलते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 एकम पर होगा तो दो से होगा, ठीक है। तो देखो एकम पर 0 है, दैट मीन्स दो से होगा, तो दो से भाग करो, सॉरी दो से भाग करते हैं, 1, 1, 0, 2, 5, 10, 1, 0, 2, 5, 10, तो ये हो गया 0। तो दो से किया 55 आया, ओके। अब हमें देखना है स्टार्टिंग हमेशा दो से, क्या 55 दो से हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एकम पर 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है, तो दो से तो नहीं होगा। उसके बाद तीन से, तीन से होता है जोड़ने पर यदि तीन का गुणज आए, तो जोड़ते हैं 5 और 5 10, 10 तीन की टेबल में नहीं आता, इसलिए 55 तीन से नहीं होगा। अब आई बात पाँच की, तो पाँच के लिए एकम के स्थान पर 0 या 5 हो, तो यहाँ पर 5 है ना, इसका मतलब ये 5 से होगा, तो 5 से कर लो भाग, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ओके। 5 से किया 55 को, तो हमारा आंसर आया 11, और अब हो गया ये 11 एकम 11, सम फिनिश। एक और सम हम कर लेते हैं, देखो जैसे हम यहाँ लेते हैं 430, ओके। स्टार्टिंग हमेशा दो से, तो दो से रूल क्या होता है, एकम पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो हमारा सम दो से होगा। तो यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स 430 दो से भाग होगा, तो कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने किया दो से भाग,
दो दूनी चार, तीन दो एकम दो, तीन में दो गया एक, दो पंजे दस। कितना आया हमारा आंसर? 215। दो से किया 215। अब देखना है 215 किससे होगा, तो स्टार्टिंग हमेशा दो से। क्या एकम के स्थान पर जीरो, दो, चार, छः, आठ में से कुछ है? नहीं है, इसलिए 215 दो से तो नहीं होगा। जोड़ने पर, जोड़ने पर देखो, दो और एक तीन, तीन और पाँच आठ, आठ आता है, तो आठ तीन की टेबल में नहीं आता, इसलिए 215 तीन से नहीं होगा। अगला नंबर है हमारा पाँच। पाँच के लिए होता है कि एकम पर या तो ज़ीरो हो या पाँच हो, तो नंबर हमारा पाँच से भाग होगा। तो हमारे पास एकम पर पाँच है, इसलिए 215 पाँच से भाग होगा, तो कर दो। पाँच चौक बीस, एक पाँच, पाँच दिया 15। ओके, 15 में से 15 गया ज़ीरो, पाँच से किया 43, और 43 जो है किसी की टेबल में नहीं आता, तो 43 एकम 43। ओके, तो इस तरह से हमारा एलसीएम ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।